नमस्कार दोस्तों, मैं मन आपका स्वागत करता हूँ फ्रेश टुडे के साथ एवरीवन टेक्निकल में। दोस्तों जस्ट अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। दोस्तों आपने सही सुना, ये आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिस आया, आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट बैन्स 59 मोबाइल एप्स विच आर प्रीजेजिकल ऑफ सोशल इम्पैक्ट इंडियन डिफेंस ऑफ इंडिया सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर ये नोटिस पूरा पढ़ सकते हैं, गूगल से इसे डाउनलोड भी करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर पे टेंशन चल रही थी उस कारण शायद इंडिया की तरफ से एक डिजिटल मुहिम है जिसमें हम चाइनीज ऐप नहीं यूज करेंगे। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जैसे ये 59 चाइनीज ऐप है जिसमें सबसे पहले नंबर पर टिकटॉक है। आप जानते हो टिकटॉक, वीचैट, एक्सेंडर, शेरिट, क्लैश ऑफ किंग, ऐसे बहुत सारे ऐप है। आप ये लिस्ट भी देख सकते हैं गूगल पे जाके, 59 चाइनीज ऐप है। और हम बात करते हैं कि प्ले स्टोर भी, तो मुझे लगता है 2 से 3 दिन के अंदर ये प्ले स्टोर से भी रिमूव कर दिए जाएंगे, बाकी पता नहीं। अब आप सोच रहे होंगे इन ऐपों को क्यों रिमूव किया गया। दोस्तों आप जानते हैं कि हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो अलाउ अलाउ देके काफी सारी उन्हें परमिशंस देते हैं, इस कारण चाइना के पास हमारा काफी सेंसिटिव डाटा जा चुका है। तो अब ना चाहे इसलिए शायद मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि गेट एप्स, एमआई स्टोर और शेयर सेट ऐप जैसे क्या ये ऐप भी बैन हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं हुआ कोई चाइनीज ऐप बैन कर दिया जाए। 59 चाइनीज ऐप बैन हुए हैं, उस 59 चाइनीज ऐप की लिस्ट में एमआई स्टोर, शेयर सेट ऐप और गेट एप्स नहीं है। इन फ्यूचर इन्हें बैन कर दिया जाए तो पता नहीं, बट अभी तो बैन नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको मैंने सारी बात बता दी, अगर कोई नया नोटिस आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टिकटॉक तो बैन हो चुका है तो हम टिकटॉक के लिए रखते हैं 2 मिनट का मौन।